हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। फैशन के इस दौर में हर कोई यही चाहता है कि वो सबसे अलग और हटकर लगे। इस चाह को पूरी करने के लिए हम सभी कई तरीकों को अपनाते हैं। हम में से कोई मेकअप का सहारा लेता है तो कोई अपने ड्रेसिंग सेंस में बदलाव लाकर खुद को बेहतरीन दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आप में से कई लड़कियों को यह नहीं पता होगा कि आप अपने बालों में लो लाइट्स करवा कर भी अपने लुक को बदल सकती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जहाँ फैशन में पहले हाइलाइट्स काफ़ी ट्रेंड में थे, वहीं अब हर कोई लो लाइट्स ही करवा रहा है। लो लाइट्स करवाने से आपका लुक पहले के मुकाबले काफ़ी बदल जाएगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हाइलाइट्स और लो लाइट्स में क्या अंतर होता है। हाइलाइट्स और लो लाइट्स दोनों ही हमारे बालों के लुक को बदलते हैं। आप में से काफ़ी कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि हाइलाइट्स और लो लाइट्स के इस फैशन को हमारे बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस भी कैरी करती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि हाइलाइट्स से बेहतर है कि आप लो लाइट्स करवा कर अपने बालों को बेहतरीन लुक दे सकती हैं। हाइलाइट कलर में बालों के कुछ ही भागों में बेस कलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बेस कलर से अपने बालों को हाईलाइट करवा रही हैं तो ऐसे में आप अपने बालों के नेचुरल कलर से कम गहरे रंग का चुनाव करें। आप चाहें तो कॉपर या ब्राउन कलर के बेस का इस्तेमाल करके अपने बालों को बेहतरीन बना सकती हैं। बालों में डार्क शेड के हेयर कलर का इस्तेमाल करने से आप अपने बालों को घना लुक दे सकती हैं। लो लाइट्स में अक्सर ऐसा होता है कि बालों के नेचुरल रंग से एक या दो शेड गहरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाल घने लगते हैं। आपको एक खास बात बता दें कि कई सैलून में आपको ये बात नहीं बताया जाता कि वह आपके बालों में हाइलाइट्स कर रहे हैं या लो लाइट्स। लेकिन अगर आपने हमारा ये वीडियो सुना होगा तो आप आसानी से ये दोनों में फर्क कर सकती हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आजकल लो लाइट्स काफ़ी फैशन में है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आई होप आपको ये हेयर टिप्स पसंद आए होंगे। ऐसे ही टिप्स और जानकारी के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।